बहने हैं मम्मा सब उल्टे भी आए थे। तो भाई दावत का प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई क्योंकि एक साथ मेरी दो दो बहनें हो चुकी हैं बीमार, ये ना मेरी शादी हो रही है और आप ही का मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। भागो भागो अपने बच्चों का हाल चाल। Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने कल किया था हेयर प्रैंक और मेरे घर वालों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो हेयर कट रियल होता ना तो मेरे घर वालों ने कहना था सामान पकड़ और निकल घर से बाहर। बट मैंने वो किया प्रैंक, ऐसे ही ट्राई करके देखा कि भाई उनका रिएक्शन क्या होता है। तो भाई अब मैं लाइफ में कभी भी वैसा हेयर कट नहीं कराऊंगी क्योंकि मुझे उनका रिएक्शन पता है। और वैसे भी जब मैं न्यू हेयर कलर कराती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर डर के करवाना पड़ता है क्योंकि हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है हर किसी पे। सो अभी हम लोग चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। प्लस अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो भाई मैं यहाँ आई हूँ, मुझे अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। इतना टाइम हो गया लेकिन ये दोनों अभी नहीं उठी हैं। क्या हुआ इन्हें? है मम्मा उठ क्यों नहीं रही है वरना तो इस टाइम पे? ना उठने के बहाने, ना उठने के बहाने इनको मैं उठाती हूँ। उठो उठो राबिया, तुम भी उठो। बुखार चढ़ा भाई ने, मैं ठीक हूँ। मैं कहाँ से लगाऊ इन्हें, इनको ऐसे से ठा ठा। क्या खाया था? तबीयत नहीं ठीक है, क्या हुआ? मुझे पता नहीं क्यों हंसी आती है जब कोई कहता है मेरी तबीयत खराब है। राबिया मुंह तो दिखा दो कि तुम्हें भी बुखार है, तुम्हें भी बुखार है, दोनों को बुखार है। नहीं मैंने सच में किसी का हाल नहीं पूछा था कि मैं तो अपनी तरफ से बड़े मजे से मूड से वो बनाने थी। बताओ क्या खाओ पियोगे? इसको देखना जरा, दिखाओ राबिया तुम्हें भी बुखार है, चेक कराओ जरा। ओ माई गॉड कितना मुंह पिंक हुआ हुआ है। और गाइस मेरी दोनों बहनों को इस टाइम बुखार है। अच्छा गला खराब है, पेट दर्द है, क्या है बता दो? पर उठ तो जाओ ना, कुछ उठ के पियो, खाओ मेडिसिन खाओ, उठो जल्दी। शाबाश जल्दी जल्दी उठ जाओ, बस रोना नहीं है जनाब। मुझे बुखार होता है ना मुझे पता नहीं कि बड़ी खुशी होती है, ऐसे लगता है जैसे थोड़ी एक्स्ट्रा टेंशन मिलेगी भाई। तो गुस्सा चढ़ता है कि आप एक्टिव नहीं रहते हो, गुस्सा चढ़ जाता है बस। ओए 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 चलो राबे उठो, शाबाश उठ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ, उठो 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 उठो। तो गाइज आपने दुआ करनी है इन दोनों के लिए, इनको थोड़ा बुखार है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा बुखार है। वो आजकल मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से गला ख़राब है, पेट में दर्द है, वॉमिट आ रही है। तो इनको कुछ खिला पिला के तंदुरुस्त करते हैं और देखते हैं क्या आगे क्या होता है। भाई जिसको किसी ने नहीं उठाया उसको चार्जर ने उठा दिया, क्या हुआ है? पहले उसका चार्जर लिया है और जब उसने पूछा कि चार्जर कहाँ है तो कह रही है मुझे नहीं पता मेरा ख्वाब में। जावेद तुम्हें नहीं पता उसकी तबीयत खराब है, बाहर है बाहर तो बाहर है, उठो सुस्त इंसान मोटी। तो भाई जैनो तुम्हारी तबीयत खराब है, इसी खुशी में ना मैं जाके तुम्हारा चार्जर ढूंढ के लाती हूँ, ठीक है? ढूंढ के लाती हूँ, मुझे क्या पता कहाँ पे था। तो भाई पूरी दुनिया में ढूंढने के बाद ना ये पड़ा हुआ है जैनब का चार्जर। ओके जैनब ये लो जो राबिया को ख्वाब में दिख रहा था, उधर पड़ा हुआ था आगे मिरर के आगे, लगा के भी दो अभी नहीं भाई। अच्छा उनके कमरे का मुझे पता ही नहीं है, जैनब ने पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ अपने ऊपर। मानो इतनी तुम रहती नहीं, कुछ चुराया तो पता है। वेट अ मिनट, अभी कुछ टाइम पहले तो तुम्हें बुखार था और अब तुम ऐसे ऐसे बोल रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। सो सो के दर्द हो रहा है मेरा और पेट। हाँ पेट दर्द हो रहा है बच्ची का। चलो उठ जाओ, मैंने सुना तुम लोगों ने भी दावत पे भी जाना है। मेरे से ही सुना अभी क्या? नहीं मामा ने नहीं बताया, मेरे दावत पे इतना दिल कर रहा है जाने का कि मैं जाऊँ लेकिन मेरा पेट इतना दर्द हो रहा है खड़ा नहीं हुआ जा। आपस की बात है, दावत होता ही खाने पीने का नाम है और जैनब का पेट ही खराब है तो जैनब ने दावत पे करने क्या जाना है। और आपको बात बता दूं रात को जैनब ने वॉमिट भी की थी सुबह के 6 बजे एकदम से मुझे आई है, मैं भागे भागे मोटी औरत सो रही थी, इसको 2-3 चार बड़ी ही दुविधा थी। फिर हमने कहा छोड़ो मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो, मैं तो अपना जाके ब्रेकफास्ट करूँ, इनके पेट दर्द और इनकी वॉमिट्स में फंस के मैं रह गई हूँ, ठीक है? तुम लोग कुछ खाओ पियोगे, कोई सूप वगैरह बनाऊं तुम लोगों के लिए? सूप नहीं खा रही थी, जब बीमार होते ना तो उसका खाने पीने का बिल्कुल दिल नहीं करता लेकिन खिलाना पड़ता है ठूंस ठूंस के। तो लेट्स सी ये क्या हरकत है जैनब, तो ऐसे करनी है? उठो वॉशरूम जाओ, शाबाश फ्रेश हो फिर ठीक हो जाओगी, उठ जाओ। खाया नहीं
हुआ तो निकल ही नहीं रही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वो इसको थोड़ा दिल खराब हो रहा है इसका। मैं आपको ये कहूँगी कि मौसम चेंज हो रहा है, प्लीज़ 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 गाइज अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखें, वरना आपकी हालत जैनब जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी अम्मा निकाल रही हैं बीमार बच्चों के लिए अनार, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए। तो भाई मेरी अम्मा लाई हैं अनार का जूस स्पेशली फॉर मी। मजाक कर रही हूँ, जैनब का पिया ना, तो मुझे ना अभी यहाँ से फ्लाइंग चप्पल लानी है। हेरा ये पी के से और बना। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना बना लूँगी। थैंक यू मम्मी। बड़ी दुविधा। अरे मुझे इतनी हंसी आ रही है, रोज़ ये लोग उछल कूद रही होती है, दोनों हाथ में जूस लेके बैठी हैं। दोनों को बुखार हुआ है इस टाइम। और यहाँ पे मामा बैठी हैं, उनकी सरबरा बन के पियो पियो, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। जल्दी जल्दी फिनिश करो, सारा पियो। ओके गाइस, तो जैनब मेरे पास आ गई अपना सर लेके, इसको सर में दर्द हो रहा है और रात को मम्मा ने स्पेशल फक्की दी है कि इसका पेट दर्द हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। और इसको टाइप डिफरेंट बुखार है, इसको टाइप डिफरेंट बुखार है। अब गाइस बताएं इनका करना क्या है, मम्मा बताएं इनका क्या किया जाए। टाइप वन है, इसको टाइप टू। इनको दो बुखार की टाइप है, उसको डिफरेंट टाइप वाला पेट दर्द हो रहा है, इसको डिफरेंट टाइप वाला पेट। थोड़ा सा और तो दो जरा देती हूँ। ओके गाइस, तो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहती हूँ। आज इन लोगों ने जाना था एक दावत पे, तो भाई दावत का प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई, प्रोग्राम तो बढ़ गया। एक इधर बैठी हुई है, एक इधर बैठी हुई है, और मामा इनके सर पे बैठी हुई है, तो भाई दावत किधर गई है? दोनों की तबीयत खराब है। मैंने भी शूट पे जाना था, इनकी तबीयत को देख के मैं रुक गई हूँ कि भाई ठीक है, राबिया की तबीयत खराब है। लेकिन राबिया ने एक ऐसा काम किया है कि जो मुझे था कि मैं दिखाऊं ही दिखाऊं। इंस्टाग्राम वालों को मैसेज करके कह रही है, हाय इंस्टा, गिव मी माई ब्लू टिक ऑन माई अकाउंट। अपनी बेटियों के काम देखे बिल्कुल ही। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। जैसे पूरी टीम अब लग पड़ेगी राबिया को ब्लू टिक। प्लीज इंस्टाग्राम, प्लीज हरी अब। ये लग रहा है कहीं से बुखार है इसे, उसके फुल उसका साथ में उसका मजाक उड़ा रही है। क्या ये बहने पागल है, कौन है ये लोग? तो भाई ये मम्मा की अबाई फक्की है। आज मैंने चैलेंज देना राबिया को, मैंने लेके जाना ठीक करके लेके जाना, और ये फक्की खिला के ठीक, चाहे पूरा डिब्बा खिलाना पड़े। और इस फक्की की रेसिपी मेरी मम्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर। अगर राबिया इस पक्की से ठीक होके चली गई ना दावत पे, तो इस पक्की की रेसिपी शेयर की जाएगी। पुड़िया बना के आप सबको गिव अवे दी जाए। और मैं ब्रांडिंग मैनेजर होंगी। फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब फॉर मोर। राबिया की पक्की को फॉलो किया जाए। ओके गाइस, तो खाना शाना खाने के बाद अपडेट ये है कि भाई राबिया जैनब की तबीयत हो गई है खराब, बल्कि खराब है और ज्यादा खराब हो गई है। तो अब वो लोग दावत पे नहीं जा सकते, तो अम्मा ने कहा बेटा अब तुमने अगर घर पे रुकी हुई हो तो दावत पे चलते हैं। तो भाई अब मैं रेडी होने लगी हूँ दावत के लिए फटाफट वाला, सो तैयार हो के आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज मी, मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, अब नीचे चलते हैं। मुझे अभी मामा की नीचे से कॉल आई है कि भाई जैनब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको चक्कर आया, वो गिरी है। तो अभी मैंने फटाफट से मतलब एक दो मिनट में जितना भी मेकअप हो सकता है ना किया, नो फाउंडेशन लुक बनाई है। इसका ट्यूटोरियल आपको फिर कभी बताऊंगी कि जब आपके पास टाइम ना हो और जल्दी जल्दी आपने मेकअप करना हो और मेकअप भी करना ज़रूरी हो तो क्या करते हैं। तो अभी हम चलते हैं नीचे, देखते हैं जैनब की क्या हालात है, क्योंकि एक साथ मेरी दो दो बहनें हो चुकी हैं बीमार। अब हम पहुँच चुके हैं मरीजों के कमरे में। जैनब बेचारी सो गई है, गिरी थी पीपी, इन दोनों ने डिच कराया, तो मुझे जाना पड़ रहा है गाइस। थोड़ा सा लगाया, सर में दर्द हो रही है। परफ्यूम खुशबू के लिए लगाते हैं, ठीक है? तो उसको स्मेल करो ना कि फूंक करो, ठीक है? दो सेकंड में भाई ये ट्रिक मेरे पास है, मैं दो सेकंड में तैयार हो जाती हूँ। और मैंने बोला है कि मैं आपको ये ट्रिक शेयर करूँगी, मेरी फिलहाल मैंने बीमार पड़ी है, तो मुझे उस पर कॉन्सेंट्रेट करने दें। मैं मैगी हूँ, 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। जब मैं तैयार होके आऊंगी ना, सबके होश उड़ जाएंगे। ही मैं तैयार होके आ भी गई हूँ, होश भी नहीं उड़े हैं, कोई बात नहीं। यानी कितनी औसम है जैनब का तुमने ख्याल रखना है, ठीक है? मेरा तुम्हारी जिम्मेदारी मैं फातिमा को लगा के जाती हूँ कि फातिमा तुम्हारा ख्याल रखेगी। तो भैया हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग जल्दी जाएंगे तो ही जल्दी वापस आएंगे। और यहाँ पे देखते हैं हाल अहवाल। चलें, और गाइस आप ही ने ज्वाइन किया है हमें
वाओ लग रहा है नई नवेली दुल्हन। वैसे एक बात कहूँ, काफी पुरानी हो चुकी हूँ अब, ये नई नवेली एक साल तक नहीं रहती है, चल निकल। और दुल्हन अपने आप को जब तक नया रखती है तब तक वो नहीं रहती है, दुल्हन दुल्हन रहती है। ये ना मेरी शादी हो रही है और आप ही का मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। मैं तो कहूँगी मैं अपनी शादी का जोड़ा पहन के उन लोगों की तरह आ जाऊँ, पीछे अपनी शादी का जोड़ा पहन के माथा पट्टियां लगा के मैं ही उसमें आऊंगी। एग्जैक्टली जी नहीं, आई विल बी द डिसेंट ब्राइड्समेड। डन डन डन। अब देखना जरा अंदर अम्मी को कैसे फिक्रें हो रही हैं अपनी बच्चियों की, ये अब सो गई है, ख्याल कर रही हैं। हाँ, ख्याल रखना उसको, खेले कहीं नहीं जाने देना, रिमेम्बर दैट, ठीक है? जिंदा कोई नहीं। क्या है ये डायलॉग, मुझे नहीं आता ही रहे तुम्हारे डायलॉग, तुम्हें मुबारक, तुम हमेशा भूल जाती हूँ, या तो याद अच्छे से कर लिया करो या डायलॉग बोल गजब बेइज्जती है। जिंदा कोई नहीं होना, नल्ला होता है। राबिया उस सेंस में बीमार हुई थी, तो भाई ख्याल रखते हैं। हाँ जी, इतनी नलायक पांडिनस, कोई बात नहीं, डायलॉग ही भूल जाते। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, लेट्स गो। आ जाए मम्मी। चले मम्मा। सुनो, तुम्हें घर छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए एडिटिंग करनी है, मजाक कर रहे हैं। क्या करना है पता है? मैंने राबिया जैनब का ख्याल, राबिया जैनब का ख्याल रखे, राबिया को बोले जैनब का ख्याल रखे, राबिया का ख्याल तुमने रखा, ठीक है? मैं सबका रख लूंगी। और तब जब तक हम वापस नहीं आएंगे तब तक तुम उनका ख्याल रखोगी, ठीक है? गुड गर्ल, बाय बाय। जब तक हम आएंगे नहीं तब तक राख लेना। चले, पीछे से कॉल आ रही है, मम्मा जी आ जाओ, मेरी भी तबीयत खराब हो गई है, मैं संभाल लूंगी। डन डन, चलो निकले, जरा मुड़ना उधर, जरा मुझे शीशा देखना है एक सेकंड। दफा आ जा तुम, मेरी लिपस्टिक खराब हो गई है गाइस। मैं हम लोग निकल जाएंगे। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं इस टाइम सो गई, अंदर जाके आपको दिखाती हूं। तो भाई मम्मा इधर बैठ गई हैं, किस चीज का इंतजार कर रही हैं? सच सच बता, सब बस बेटा, यहाँ पे सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। सही है, और अभी खाने के साथ ही इंतजार करिए कि हमारी गॉसिप वगैरह जो भी ख़त्म हो, हम जल्दी से घर जाएं। मामा को इस टाइम बच्चों की टेंशन लगी हुई है ना, बच्चों की टेंशन लगी है। राबिया कैसी हो? मम्मा वो जब तक ये व्लॉग आ रहा था ठीक भी हो जाता है। किससे की है गाइस? तो खाना आ चुका है, इतनी गोल किससे की है? यम्मी यम्मी खाना, क्या सांचा है कोई? और मेरी अम्मा किसकी शामी की रेसिपी पूछ रही है, घर में भी ऐसी ही बनाया करें। दर बस रेसिपी पूछ के चली जाती है मेरी अम्मा, बना के नहीं खिलाती। जहाँ से जो अच्छी चीज मिले रेसिपी पूछ लो, बस रेसिपी पूछ लो, बच्चों के कान खुश हो गए कि अब कुछ मिलेगा घर जाके। शर्म किस बात की? कोई शर्म नहीं। चले अभी खाना शुरू करते हैं। खीर खाने की, मम्मी मुझे भी डाल दे जल्दी से। ओके गाइस, तो खीर शीर खा ली थी, खाना शाना खा लिया था, एवरीथिंग वाज सुपर गुड। आप ही को गिफ्ट शिफ्ट मिल चुकी है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। दो बच्चियाँ जो बीमार पड़ी हुई हैं उनकी हालत पूछते हैं जाके कि उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि मेरी अम्मा को टेंशन लगी थी, जल्दी जाना है जल्दी जाना है। तो भी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जल्दी जल्दी, देखते हैं कि घर में वो लोग क्या कर रहे हैं। तो चलो भागो भागो अपने बच्चों का हाल जानने। मेरी अम्मा अपने बच्चों का हाल पूछने के लिए फातिमा मैडम को केयर करने के लिए छोड़ के गए थे। मैं चाची मामी दादी फूफी सब बन के खड़ी हुई है। गाइस आज की ब्रेकिंग न्यूज, राबिया जैनब को बुखार। कैसी है तबीयत? हमें इतना मजा आया, इतना मजा आया। अच्छा बात हम लोग नहीं गए, मैं गई, मैंने एंजॉय किया, बहुत मजा आया। इतने मजे मजे के खाने नहीं, कुछ भी नहीं लाया तुम्हारे लिए, तुम्हारी तबीयत खराब है, चुप करके बीबी बुखार है। राबिया देखो मेरे बच्चा भी बुखार, दोनों को बुखार है। बड़ी हो गई तुम लोगों की, ठीक है? खिचड़ी बना रही हैं मम्मा। हाँ, जो तुम लोग के लिए फातिमा खाना बना रही, तुम लोग वो खाना, ठीक है? स्पेशल फातिमा तुम लोग की स्पेशल खिदमत कर रही है। वहाँ पे था, मैंने दिखाया है ब्लॉग में, शामी, दो तरह के शामी, मटन चिकन, मतलब चिकन पुलाव, सैलड, दही भले, फिश, बहुत कुछ समझ याद नहीं आ रहा, बहुत मज़ा आया। तो भाई जिन जिन को बुखार था ना, उन दोनों से मैंने हाल चाल पूछ लिया, फातिमा उनका ख्याल रख रही है फिलहाल के लिए। अभी मैं नीचे चलती हूँ, फ्रेश होती हूँ। आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, इतने मज़े की दावत थी, एक सडन प्लान बना बट बहुत अच्छा था। जाने का जो प्लान था वो सबका था, लेकिन मुझे शूट पे जाना था, लेकिन मैंने शूट स्किप कर दिया इनकी वजह से, और इनको बुखार हो गया। तो भाई आई थॉट के चलो ये नहीं जा रही हैं तो मैं चली जाती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है? आपने जल्दी से इस चैनल को 10 मिलियन तक पहुँचाना है, ठीक है? सो आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।